तो आज हमने बनाई है रेस्टोरेंट स्टाइल रोटी घर पर, और बिना तंदूर के बनाई है, और इसे हमने तवे पर बनाया है। आप भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल में 4 कप आटा लिया है, 2 चम्मच चीनी ली है हमने, और फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसमें हमने 1/4 बेकिंग सोडा ऐड किया है, और फिर नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखे, और फिर इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे, और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी पानी ऐड नहीं करना है, पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी ऐड करें, और ये अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। और फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करें जितनी आपको ज़रूरत हो, और इसका डो तैयार करेंगे। अभी ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसका अच्छे से डो तैयार करेंगे। हमें एकदम सॉफ्ट डो चाहिए, और इसको अच्छे से हम डो तैयार करेंगे, इसका स्मूथ डो तैयार करेंगे। और ये स्मूथ डो बन चुका है, और इसे 5 से 6 मिनट लगे थे इसका स्मूथ डो तैयार करने के लिए। और फिर हम इसमें ऑयल लगाकर इसे हम रेस्ट करने रखेंगे। 1 घंटे का रेस्ट हमें देना है इसे, और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसे और अच्छे से एक बार इसके बाद हम इसे और अच्छे से इसको मसल कर इसके एक बॉल बॉल साइज निकालेंगे। तो हमने एक बॉल बनाई है, और इसका अच्छे से इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे, और इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे, और इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। और फिर हम इसमें वाटर लगाकर इसे अच्छे से वाटर लगा देंगे। तो हमने रोटी पर वाटर लगा दी है अच्छे से, और हमने एक हॉट तवा लिया है, इसे हमने पहले से गर्म कर लिया था, और आप लोहे की तवा ही यूज़ करें। और जिस साइड हमने वाटर लगाया था उसी साइड से हम रोटी को तवे पर डालेंगे, और फिर इसे प्रेस करेंगे। आप इसे हल्के हाथों से प्रेस करें, और फिर हम इसे 1 मिनट तक उसी साइड से कुक होने देंगे। और ये जब 1 साइड से अच्छे से कुक हो जाए, फिर हम इसे पलट कर इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। और आप देख सकते हैं हमने इसे पलट दिया है। अब हम इसे चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से सेक लेंगे, और ये अच्छे से सिक जाएगी, और ये पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और फिर आप इसमें मक्खन लगा कर, आप मक्खन लगा भी सकते हैं नहीं भी। और ये बनकर रेडी हो चुकी है, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं तवे पर। और आपको रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आप भी इसे ट्राई करें।